हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी सारी ब्रांचेस जो थी मेन ब्रांचेस उनका पूरा हो चुका है। तो उस एग्ज़ाम के बाद जो एनालिसिस क्या कह रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी बच्चों की, ठीक है, तो उसी एनालिसिस को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एब्यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है मैंने एनालिसिस और लोगों के जो फीडबैक आ रहे हैं कितने नंबर वो बता रहे हैं कि इतना स्कोर हमारा हो जाएगा और इतनी जानी चाहिए कट ऑफ पेपर के लेवल को देखते हुए, जीएस का क्या लेवल था, हिंदी का लेवल क्या था, उस चीज़ को देखते हुए ही मैं ये सब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अपना जो है पेशेंस को बनाए रखिए और एब्यूज़ मत कीजिएगा कमेंट सेक्शन में भी। और अगर आपकी फिर भी कोई डाउट और क्वेरी रहेगी तो आप उसमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन जो अभी तक का जो एनालिसिस कह रहा है, ठीक है, तो पहले हम सिविल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग की जो है कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है, तो सिविल की अगर हम बात करें तो जीएस और जो हिंदी था वो सबके लिए कॉमन ही था, तो जीएस और हिंदी का लेवल बहुत ही अच्छा था। ठीक है, जीएस और हिंदी का लेवल बहुत ही बढ़िया था, ठीक है, बहुत अच्छा लेवल था। और हिंदी तो फिर भी अगर कोई पढ़ा होगा तो वो कर सकता है इसको, ठीक है, लेकिन जीएस का लेवल जो था एकदम पीसीएस लेवल का था, पीसीएस लेवल का था, फैक्ट बहुत ही डीप पूछे गए थे। और इसमें अगर कोई 6 से 7 क्वेश्चन भी कर रहा है तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इतना स्कोर करना जो है आसान नहीं था। और ये भी आपको ज़्यादातर करंट, अगर आपका करंट अफेयर के जो 6-7 क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन, उनमें से अगर 5 कर लेते हैं तो 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से हो जा रहा था, बाकी इतने आसान क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल था वो फिर भी ठीक था। और सिविल की बात करते हैं, सिविल में जो है कितनी कट ऑफ जो है जानी चाहिए, ठीक है, हम बता रहे हैं आपके लिए। तो सिविल के जो कट ऑफ जाएगी, ठीक है, वो जनरल कैटेगरी के लिए जो अभी तक का फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से जाना चाहिए कि 480 से लेके 490 के आसपास रहेगा, ठीक है, यही कट ऑफ रहेगा लगभग। और ओबीसी का रहेगा, ठीक है, ओबीसी का 460 से लेके 470, ठीक है, 470 तक आपका रहेगा कट ऑफ। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी है उसका जाएगा 450 से लेके 460, ठीक है, 460 तक जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि फीमेल का जो कट ऑफ जाएगा, फीमेल का कितना जाएगा कट ऑफ, तो वो फीमेल का कट ऑफ जाएगा 430 से लेके 440 तक, ठीक है, ये सिविल की ही बात अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और जो एसटी का कट ऑफ जाएगा, शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी इनका कट ऑफ जो है 415 से लेके 425 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एनालिसिस हमारा जो है सिविल ब्रांच के लिए है और इसके आसपास रहना चाहिए, ठीक है। जो लोग बता रहे हैं कि पेपर का लेवल ऐसा था और अपने जो फीडबैक दे रहे हैं उन्होंने, एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है तो वो बता रहे हैं कि ऐसा इतना रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पूछ के मैं ये सब डाटा कलेक्ट करके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और जो मैकेनिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच की हम बात करेंगे अब, ठीक है, मैकेनिकल की बात करेंगे, मैकेनिकल का कट ऑफ कितना जाना चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिकल की बात करेंगे तो मैकेनिकल में जो जनरल कैटेगरी का है, ठीक है, इसमें क्या था, इजी टू मॉडरेट पेपर था, ठीक है, हार्ड तो नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है सुनने में आ रहा है कि ESE से निकल के आ गया था, यानी कि जो ES की प्रिपरेशन करते हैं और गेट से क्वेश्चन जो है प्रीवियस बिल्कुल उठ के आए थे क्वेश्चन काफ़ी सारे, तो ईजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा इसका, वो जानी चाहिए आपकी 515 से लेके, यानी 515 से लेके 525, ठीक है, इससे कम तो शायद ना जाए, क्योंकि अच्छी खासी कट ऑफ जाती है मैकेनिकल में, ये हमेशा का ट्रेंड है। और ओबीसी की जो जाएगी वो 505 से लेके 515 तक, 515 तक जाएगी। और जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी, ठीक है, एससी कैटेगरी की रहेगी, वो रहेगी आपकी 485 से लेके 495, ठीक है। और जो फीमेल की कट ऑफ जाएगी,
फीमेल की कट ऑफ 475 से लेके 485, ठीक है, ये आपका होना चाहिए, इतना कट ऑफ जाना चाहिए। और जो एसटी का जाएगा, ठीक है, एसटी का कट ऑफ कितना जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो एसटी का कट ऑफ जाएगा 455 से लेके 465, ये कट ऑफ जो है जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ब्रांचेस के लिए मैंने बताया है। जब भी इलेक्ट्रिकल का एनालिसिस पूरा होगा और जो फीडबैक लोगों से मिल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मेरे पास आएंगे और लोगों से पूछ के मैं इलेक्ट्रिकल और बची हुई ब्रांचेस का भी कट ऑफ कितनी जा सकती है वो मैं बनाऊँगा वीडियो। और इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ सकता है या फिर कितना आपने कैलकुलेट किया है, क्या लेवल रहा था, आप सब बता सकते हैं। और क्वेरी आपकी अगर कोई हो तो वो पूछ सकते हैं। तो और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों का जो है सिलेक्शन हो और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।